हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं सत्य आपके साथ। तो चलिए, आज हम रिएक्शन करने वाले मुफ्ती तारिक मसूद जी पाकिस्तान के सबसे बड़े काली मंदिर में गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक मुसलमान है और वो अगर काली मंदिर में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात ही होंगी हमारे लिए। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं जा सकते, बहुत अच्छी बात है वो गए और बहुत ही अच्छी बात है ये जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो काली माता के मंदिर में गए हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये यहाँ पर हम आए हैं कल्लार में, हिंदुओं का इलाका है पूरा ये, और यहाँ हिंदू सदियों से आबाद हैं। और बड़ी बात यह है कि कभी कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ फसाद नहीं हुए। मुसलमान जाहिर है मेजॉरिटी में, हिंदू मेरा ख्याल है 2% 1% होंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद यहाँ हिंदुओं के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि जब ये यहाँ के मकामी हजरत बताते हैं बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो भी यहाँ उलमा ने हिफाजत की है, हत्ता के मंदिर की हिफाजत की है कि कोई यहाँ तखरीब कारी ना करे। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनसे भी गुजारिश है कि भाई वहाँ भी मुसलमानों का ख्याल करना, इंसानियत का। जो पाकिस्तान में हमने कभी भी नहीं देखा कि यहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ कभी कोई नाज़ेबा सलूक किया। नहीं नहीं बिल्कुल। तो ये इंडिया में भी होना चाहिए कि फिर वहाँ हिंदुओं को चाहिए कि वहाँ मुसलमानों को अपना भाई समझे बिल्कुल। और अगरचे वहाँ मुसलमान यहाँ जितने हिंदू हैं उससे कई गुना ज्यादा वहाँ मुसलमान, कई गुना ज्यादा बिल्कुल। तो मैं तो स्पेशली ये मंदिर देखने के लिए आया हूँ, यहाँ हिंदुओं से भी मैं मिला हूँ बिल्कुल, और वो बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ के लोगों से। कोई मजहबी तासुब नहीं है। अभी ये हम मंदिर की विजिट करते हैं, आप ये देख रहे हैं काली मंदिर की क्या तारीख है। यहाँ के वो पंडित जी को बुलाए, चलते महाराज है उनसे। महाराज जी? जी महाराज। इस्तिलाहत भी हमें नहीं पता भाई। जी जी महाराज है यहाँ। आ जाए जरा महाराज से। आ जाए, ये महाराज है, मौजूदा महाराज। महाराज है। महाराज की डेफिनेशन क्या है जी? सर मेरा, मैं महाराज नहीं, मैं गोसाई। गोसाई क्या होता है? गोसाई हमारा लकब है। अच्छा, जो काली मंदिर की गार्निशिंग है। काली मंदिर किसे कहते हैं पहले ये बताओ ना, हम तो नॉर्मल मंदिर का सुनते थे, काली तो पहली दफा सुना। सर काली मंदिर ऐसे ना, ये काली माता का मंदिर है। काली माता का, माता का मंदिर का नाम है। हाँ, उनके नाम से ये मंदिर। काली माता क्या होता है? काली माता नाम है। किसका नाम है? हमारी देवी देवता जो हुए हैं ना। अच्छा अच्छा, उन देवी का नाम है काली। तो ये उनके नाम से मंदिर है। जी हाँ। तो ये कितने हैं दुनिया में टोटल? सर है तो सारे हैं तो दुनिया में, लेकिन मशहूर एक कलात में भी है, इंडिया में भी है, कलकत्ते में भी है। दूसरा ये माना जाता है काली माता का मंदिर। तो ये कलकत्ता के बाद दूसरे नंबर पे? जी जी। अच्छा, क्या मतलब दूसरे नंबर? बड़ा है ज्यादा ये? सर ऐसे था ना, पहले ये पुराने शहर में वाकया था, जो हमारा पुराना शहर मीरी वाकया था ना। हाँ। वहाँ पे ये था 1935 में जो बड़ा जलजला हुआ, तो उनके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए, उस पूरा शहर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो आप तो पठान लग रहे हैं बिल्कुल, गोरे चिट्टे। नहीं तो सर हम तो जो मैंने अपनी जिंदगी में हिंदू देखे वो तो थोड़े ब्लैक ब्लैक से देखे हैं। हम कलाती आबो हवा की वजह से यहाँ के, हवा की वजह से। तो आपकी जबान कौन सी है? सिंधी। सिंधी बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ की मकामी जबान नहीं सीखी आप लोगों ने? मकामी जबान सर हम पैदा यहाँ पर हुए हैं, हमारी धरती माँ, हमारा भूमि स्थान यही है, तो हम बिरावी भी जानते हैं उर्दू सिंधी। थोड़ा सा सवाल करें। चलें आ जाएं। तो ये महाराज हैं? जी जी। महाराज क्या क्या होता है, वो क्या जिम्मेदारी है, वो मंदिर का जो रखवाला है? गद्दी नशीन। जी हाँ, मैं गद्दी नशीन यहाँ का। अच्छा जी, इनके जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? परम पुरुष भगवान श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर के लिए खुशदार शहर में एक जगह ली गई। सही, तो जैसे चंदे की अपील लगती है मुझे कुछ इस टाइप की। तशरीफ रखिए। अच्छा अच्छा, काली माता, काली मंदिर। तो रोजाना खुला होता है ये? जी हाँ सर। तो क्या होता है यहाँ पे, यानी आपके मामूलात क्या हैं? सब सर हमारे मामूलात ऐसे होंगे, पूजा होती। अच्छा। सुबह को, शाम को, रात को। अच्छा जी जी। इसी वक्त भी लेडीज वगैरह, ये टाइम लेडीज क्या करते हैं पूजा में? सर जो हमारे रसूमात होते हैं, तो आप
हमने रसूमात हैं तो वो हमने जो इंटरनेट पे जो देखे हैं हिंदुओं के महाराज वो तो नीले पीले डिजाइन उनके होते हैं, आप तो सादा सिविल नहीं नहीं कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, जैसा देश वैसा वेश, बलूचिस्तान में बैठे हुए तो वैसे ही हमारा वैसा होगा ना सर। नहीं इंटरनेट पे आती है ना वीडियो उसमें तो नीले पीले कलर होते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बैठे तो आप सिविल ड्रेस में बैठे जी जी बिल्कुल जैसा देश वैसा वेश। तो ये हिंदुओं का कौन सा फिरका है जो यहाँ पे ज्यादा? सर फिरके तो बहुत से लेकिन ये माता को मानने वाले माँ काली को माता किसे कहते हैं, गाय को? सर माता ऐसे है ना हमारे माता तो माँ को नहीं कहते है? जी जी उसी को कहते हैं माता, माँ को कहते हैं तो उनके स्वरूप हुए हैं ना माता काल का, उनके स्वरूप है रूप है। अच्छा जी जी सही है सही। तो आप लोग का जो ज्यादा रश किस किस दिन होता है? सर हमारे बड़े महाराज साहब की बरसी होगी ना जनवरी में 21, 22, 23 में लोग ज्यादा होते हैं जी हां आसपास के। तो इसमें बुत नहीं रखे हुए आपने? कैसे सर? जो जो हमें जो इंटरनेट पे जो भगवान नजर आते हैं वो जो सर मूर्तियां हैं। चलो सही है सर। मेरे बयान सुने कभी आपने? सर बिल्कुल मैं नेट पे देखे हैं जी, पहचान लिया जी। नहीं नहीं पहचान नहीं है मैंने, पहचान लिया। मैं तो इनसे कह रहा था थोड़ा भगवान से भी हम सलाम दुआ हो नहीं सकती हमारी? सर बिल्कुल कोई हमने तो सर वेलकम किया आप हमारे यहाँ भी, हम वेलकम करेंगे हम आगा जन हमारे यहाँ पर आते हैं ना उनको वेलकम करेंगे हम। सही हमारे ब्रदराना ताल्लुक आते हैं जी जी बिल्कुल। अच्छा ये यहाँ के मौलाना है JUI के, इनके भाई है ना JUI जनरल सेक्रेटरी, इनका बड़ा सियासी यहाँ पर सियासी साख है और बिला शिरकत गैर सियासी तौर पर इन्हीं की हुकूमत है यहाँ पर, बड़ा भाईचारा है इनके यहाँ पर, अगर कजिया हो तो। अच्छा आप लोग सदियों से आप लोग यहाँ रह रहे हो, मुसलमानों ने आपके साथ कभी कोई गलत सलूक किया हो? सर अभी आप ये देखे ना भाई, यहाँ के तो मुसलमान भी बड़े गैरतमंद है ना सर, अभी आप देख रहे हैं भाईचारे के साथ बैठे हुए हैं ना, हमें कोई टेंशन है। तो आप हिंदुओं को जरा इंडिया में कुछ पैगाम दें कि भाई वो भी मुसलमानों के साथ अच्छे रहा करें। सर ये कला देख सब भाईचारे की एक बड़ी मिसाल है, कैसे मिसाल है कि इनकी अगर मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई कजिया हो तो हमारी हिंदू कम्युनिटी उनको मुंह दिखाने के लिए ताजियत के लिए हो जाती है, और हमारे यहाँ अगर कोई कजिया हो तो मुस्लिम कम्युनिटी हमारे जो भी वाकफ सही जो भी हमारे बड़े हैं ना, जिन दिनों में बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ यहाँ तो कोई किसी ने फसाद की कोशिश इतना सर वो लेर यहाँ पे कलात में नहीं थी, क्योंकि हमारा भाईचारा जो कलात में ना उसी टाइम से वही भाईचारा चल रहा है और आगे भी उम्मीद है वही भाईचारा हम। चलो ठीक है, वैसे हम सबको तहकीक करनी चाहिए कि दीन बरहक कौन सा है, ठीक है, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी तो मैं इस बहस में नहीं जाता कौन सही है कौन, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम सब तहकीक करें कि मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान हूँ कि मेरे बाप दादा मुसलमान थे तो ये हम ये मेरे लिए गलत होगा, मुझे इस्लाम की तहकीक करनी चाहिए, हिंदू की तहकीक करनी चाहिए, आपको इस्लाम की करनी चाहिए हिंदू की। तो आप हमें अकल से खुद फैसला करना चाहिए ना कौन सही है कौन गलत है, आपस में तो हमें मापस से रहना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें हक की तलाश हम सबको खुद करनी चाहिए कि सही हक है क्या, क्योंकि अल्लाह का दीन तो दुनिया में एक ही है, तो हम सबको उसकी तहकीक करनी चाहिए। तो पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है मैं जहाँ भी गया हूँ ईसाइयों के साथ भी सिखों के साथ भी मुसलमान तो मैंने नहीं देखा कभी लड़ते हो, तो ये क्यों दुनिया में मशहूर किया हुआ है मुसलमान जो है ये अपना मजहब जबरदस्त ठोसते हैं, ये गलत है ना? कोई आपको कभी किसी ने बंदूक पे आपको बोला हो? अभी पानी पिया हमने, अभी पानी पिया अल्लाह जज़ाए खैर, अभी पिया चाय पिए, अभी पिया आगा जन सर, ऐसे हम मेहमान जो आते हम इसे छोड़ते ही नहीं यहां पर। अच्छा चलो चाय नहीं सर पानी पिला, पानी पिला ना ना बिस्कुट बस पानी, आप ताकि ये ना समझो ना कि आप चाय पिए तो हमें खुशी होगी ना, अब बड़ी दूर से आए हैं। जज़ाकअल्लाह, अभी चाय पिए थोड़ी देर पहले हमने बागात में बैठ के चाय पिए इधर। तो आप अपना गद्दी नशीन किसको बनाओगे फिर? अच्छा हिंदू लोग जो शादियां करते हैं वो भी इधर ही आते हैं? मेरे मेरे काम सर वो जी यहाँ पर होते हैं हर मंदिर में होते हैं, तो वो महाराज यहाँ पे टोटल कितने मंदिर हैं? 6 मंदिर। अच्छा पूरे कलात में 6 मंदिर। तो आप लोग की कोई कम्युनिटी का कोई बड़ा होता है पूरा? सर कम्युनिटी का हमारे बड़े महाराज थे ना, वो उम्र के बैठा अभी भी हमारे महाराज 4 महाराज हम यहाँ पर जो मशहूर है हिंदू लोग गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते हैं? जो हमें मना की चीजें नहीं, आपकी सेहत से भी लग रहा है
सब्जी खा के ये सेहत नहीं बनती। हम सब्जी वाले हैं, वेजिटेरियन। अच्छा, वेजिटेरियन है। कौन सी सब्जी खा रहे हैं जिसमें आपने इतनी अच्छी सेहत बना ली? वो तो आबो हवा तो वैसे ही अच्छी है। सही है, सही है, ठीक है। कराची आना हुआ कभी आपका? सर वैसे आते हैं, उठाएं। कराची आए हैं कभी आप? कराची आए हैं कभी आप? सर वैसे मुफ्ती साहब कराची में होते हैं, जामतुर रशीद में उस्ताद हैं। अच्छा। हाँ, सोशल मीडिया पे हमारे बहुत बड़े बेहतरीन आलिमदीन हैं, मुफ्ती साहब हैं। मसाइल कभी आए ना ये कराची तो इनको आप हमारे यहाँ लेकर। जरूर जरूर। पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जी 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 सबको सुना जाता है। नहीं तो ये मैं पूछ रहा था, ये जो आग के गिर्द घूमते हैं शादी में, ये यहाँ भी ऐसा ही होता है? जी सर, वो हमारी जो रसूमत जो होती है ना, वो निकाह की, वो कहाँ होती है? इसी मंदिर में? इसी छह मंदिर में, सारे मंदिरों में हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, आग जलाते हैं? सर वो जो हमारा वो सिस्टम होता है वो आकर वो करते हैं। तो फिर आप पढ़ते हैं वो जो पढ़ रहे हो? सर वो और महाराज होते हैं, मैं यहाँ का गादी शून, मेरा लकब गोसाई का है सर। तो वो जो है वो महाराज पढ़ाते हैं, पंडित लोग। पंडित लोग हमारा वो क्या पढ़ रहे होते हैं? वो तो सर जो हमारी मजहबी किताबों में जो। अच्छा। है तो वो जितने लोग हैं सब एक ही जैसे वो पढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल सर, जो जो चीज निकाह नामा है तो वही वही। अच्छा, पढ़ेंगे। अच्छा। जो निकाह जो चीज है तो वही पढ़ेंगे। सही है। चार शादियां नहीं कर सकते ना हिंदू लोग? सर अभी एक पली नहीं जा रही है, तीन शादियां की। चक्कर वक्कर की बात नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। इस दौर में सर एक नहीं पाली जाती, चार कहाँ पालेंगे? नहीं, अगर पालना मुमकिन होता तो हिंदू मजहब में तो इजाजत नहीं है ना? अच्छा, तो आप लोग सही है। तो चाहे सर नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बस आपने बहुत इकराम किया। मैं पहली दफा सही तरह से किसी मंदिर में गया, अभी भी कैसा ही गया नहीं हूँ अंदर, मैं सिर्फ बाहर ही बैठा हूँ। अच्छा। तो वैसे शौक था मुझे आप लोग का कल्चर देखने का। जी जी सर। सही है। तो आपने संस्कृत जबान भी सीखी है? जी हाँ सर। ये जरूरी है हिंदू के वो जो? सर हमारे मजहबी किताब सारे संस्कृत में है। अच्छा जी। मजहबी किताबें आप पढ़ाते भी हैं? कौन सी किताब पढ़ाते हैं? हमारी जो मजहबी है तो वो पढ़ाएंगे, श्रीमद् भगवद गीता और हमारे जो भी किताबें हैं वो पढ़ाते हैं, पाठशाला से। अच्छा, पर्दा जो औरतें पर्दा करती हैं भी मजहब का हिस्सा है ना पर्दा? जी 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 बिल्कुल। यहाँ भी औरतें बापर्दा हैं? यहाँ भी शराब हराम है। हराम है? हां हां। अच्छा, सही, अच्छी बात है। चले, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं भी खुशी आपसे मिलकर बड़ी। फिर कभी कराची आए तो हमारे साथ भी मिलें, ठीक है? हम आपको अपनी मस्जिद में बिठाएंगे, ठीक है? चलें जी। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गोसाई श्याम। गोसाई श्याम गिर, बड़ा मुश्किल नाम नहीं? गोसाई श्याम गिर मेरा नाम। अच्छा 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 अच्छा, चले। क्या कह रहे हैं आप? ठीक, खवातीन के मेरे साथ। सही है, सही है। नहीं नहीं, हम जबरदस्ती कोई निकाल नहीं, ठीक है? नहीं 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 नहीं, वो कह रहे हैं अंदर खवातीन है ना। सही नहीं नहीं, वो खवातीन को क्या मुफ्ती गैर मुफ्ती का फर्क थोड़ी बता रहे हैं। खवातीन इतकाफ में बैठी हैं? कितने दिन का इतकाफ? सिर्फ मैं जा सकता हूँ अंदर, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता। ये सही है। इसके अलावा जावेद चौधरी के अक्सर कालमों में इसका जिक्र आता है। अच्छा। काली माता है और इनके जो खुदा के इनके जब होते हैं सब बंदे भी आते हैं, सब इधर ही आते हैं। अच्छा, ये क्या बना हुआ है तस्वीरों में? ये शेर है। शेर है? शेर है, शेर है, शेर नहीं है, शेर है, शेर है, शेर है।
अच्छा ये शेर है वो शेर नहीं है, चलो खैर है, चलें फिर, चलें जी जात लें फिर, ठीक है, ठीक है। क्या प्रोग्राम इसको बंद कर दे। ये हमने जी इंटरव्यू लिया, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ अमन व अमान है, और काली मंदिर का हमने विजिट, काली मंदिर का विजिट किया, काली मंदिर गोसाई श्री राम, गोसाई श्री राम हाँ इनका नाम है हाँ। और ये क्या थे यहाँ पे? ये यहाँ पे गद्दी नशीन है, गद्दी नशीन तो इनका इनके ओहदे का नाम क्या है? गोसाई। बहुत सारी बातें और पूछनी थी लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं नाराज ना हो जाए। आप क्या तौहीद के हवाले से? नहीं, तौहीद के हवाले से तो वो तो दो और दो चार की तरह है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। इनके मजहब के बारे में कि ये जो गाय का गोश्त है क्या है इनके यहाँ? हाँ साइंटिफिक हवाले से। दूसरा वो जो पहले जमाने में इनके यहाँ रस्म थी कि औरत को, हाँ यार रिवर्स ही ले लेते हैं भाई सीधा सीधा, और ये जो इनकी रस्म थी कि औरतों को जला देते थे पहले शोहर के साथ, हाँ हाँ वो क्या किताबों में लिखी हुई है इनके? अब ये चीजें ये नहीं कर रहे हैं। नहीं मजहब में तो है ना, अगरचे नहीं कर रहे। हाँ हाँ मजहब में है। एक आप एक सवाल जो आपने उनसे पूछा ना गोश्त के हवाले से, उसने कहा मजहब पे कौन अमल कर रहे हैं? हाँ उसने असल में वो एक किस्म का इल्जामी जवाब दिया। अच्छा, हमारे नमाज फर्ज है, सब कहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब वो एक किस तरह का है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो था, और अच्छी बात है कि तारिक मसूद जी काली मंदिर में गए हैं और वहाँ पे जाके पंडित का इंटरव्यू लिया उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जैसे हिंदू लोग बेखौफ जी रहे हैं वैसे इंडिया में भी जिए, तो अच्छी बात है। तारिक मसूद जी, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, क्योंकि आपके यहाँ जैसे हिंदुओं की फिक्र की जाती है वैसे ही यहाँ भी मुसलमानों की फिक्र की जाती है, और इंडिया में बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी तरह से जी रहे हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं, तो कुछ भी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट सब लोग जीते है और हम भी इंडिपेंडेंट है, तो बहुत अच्छी बात है, मुसलमान हमारे भाई है तो हम उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, और हर एक का हक बनता है, ये उनका भी देश है, ये सिर्फ हमारा देश नहीं है, ये सब धर्मों का, ये हम इंडिया देश बना है तो ये सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के मुसलमानों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो डोंट वरी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि तारिक मसूद जी बहुत बड़े मतलब बयान देते हैं, बहुत अच्छे तारिक मसूद जी बहुत बड़े हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बयान सुनकर इनके हमें प्रेरणा मिलती है बहुत अच्छे, और हमारे यहाँ भी हाँ ये उन्होंने सही कहा कि पहले हिंदुओं में सती होना मतलब पति के साथ जलाया जाता था, लेकिन अब ये नहीं होता, लेकिन ये इन्होंने सही बात कही थी तो मुझे अच्छा लगा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया इन्होंने इंटरव्यू भी लिया और हमें भी बहुत अच्छा लगा, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।